जब भजन करोगे आप आवाज सुनोगे नाम की जो बोल रहा है, जब बैठ करके एक नक मान लगाकर आप उस तरफ अपना ध्यान दोगे तो मालिक से ध्यान किसी तरह से दृष्टि में ध्यान के वक्त में दया करता है। इसी समय पर फिर और भी दया होती रहती है, हर तरह से दया होती है, लेकिन जब आप कुछ नहीं करोगे संसार में बच जाओगे तब तो देखिए आना था रात भी खाली दिन भी खाली हो गया, आज करेंगे कल, महीना भी चला गया दो महीने भी चले गए, इधर से जाते हो उधर, यहाँ तो सोच के जाते हो अच्छा ठीक है सत्संग सुन लिया भजन करेंगे ध्यान भी करेंगे सुमर रोज करेंगे कभी नागा नहीं करेंगे वहां गए और फिर आज का कल और कल का फिर और फिर का फिर ये सब फेर में चला गया और कुछ नहीं हुआ और खाली बैठे बैठे रहे, सत्संग भी नहीं मिला, सत्संग के वचन भी याद नहीं है और भजन और ध्यान और सत्संग भी छोड़ दिया, इस चक्करबाजी में फंस गए तो दुनिया है समझाए। ये क्लेशों का और बीमारियों का सोसाजी का भंडार है, इसमें कूद पड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत लोग कूदे हुए धनी माने भी कूद पड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे ही वो कूद पड़े, आगे उनको क्या मिलता है, फिर रो रहे चिल्ला रहे कोई चीख रहे तड़प रहे तो आपको क्या मिलेगा, आप बच करके सफल रहे चलो ये काम आप करो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अभी तो ये तमाम लोग आ रहे हैं आज तो ये 5 तारीख है और भंडारा जो है आज आज की मध्यरात्रि को मनाया जाता है, तो अगली बार आप विचार विवेक से सत्संग को ग्रहण करें और हर चीजों पर हमेशा जब आप विवेक रखेंगे और पहचान शब्दों को याद करके पहचान रखेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, नहीं ऐसे गिरते रहोगे फिर गिरोगे फिर उठोगे, कहोगे मेरा पति नहीं है ये मेरी पत्नी नहीं है, कहोगे मेरा बच्चा नहीं है ये मेरा ये नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं है ये देवता नहीं है मेरा गुरु नहीं है, ऐसे गिरते रहोगे फिर कब उठे खड़े हो पाओगे, अरे जो चीज है वो तो है ही, बच्चा भी है पति भी है और पत्नी भी है और भगवान भी है और गुरु भी है और रास्ता भी सब कुछ है, लेकिन जो तुम गिर जाती हो इस बात में ये तुम्हारे पूरे दिन का ये फंस है, बाबा जी जो कुछ भी कहेंगे वो तुम्हारी समझ में ना है वो तो बात अलग है, लेकिन झूठ होने वाली एक भी बात नहीं, मैं बराबर लोगों से यहां भी कहता हूं वहां भी कहता हूं मेरी बात तुम्हारी समझ में आए वो तो अलग है, लेकिन जो कहेंगे वो सब अपनी जगह पर उसमें कुछ कटाक्ष की बात नहीं है, पर तुम इतना विवेक नहीं रखते हो कि महात्माओं के वचनों का आप निराकरण कर सको और वचनों की पहचान समय समय पर आज क्या वचन है कल क्या, कल के लिए कौन सा वचन लागू है, महीने के लिए कौन सा, दो महीने कौन सा, एक बरस के लिए कौन सा, दो बरस के लिए, तो ये तो मेरा कोई फर्क नहीं, आप किसी लिए धोखा उठा जाते हो, जब धोखा उठाते हो तो बर्बाद की तरफ से ढीले हो जाते हो, जब बर्बाद सूखा लगता है वैसे तो बर्बाद हरा भरा है और उसी से हरे भरे हो गए और बर्बाद को छोड़ने में दुनिया तो पहले भी सूखी थी अभी है और भविष्य में भी सूखी रहेगी, वहां मिलने वाला क्या है, बस युतियों के छोड़ कर और निरादर अपमान इनको छोड़कर के दूसरा कुछ मिलने वाला है, युतियां तैयार रखी लेकिन परमात्मा फूल पर भजन ध्यान करो अंदर में देवी देवता ये जीवात्माओं पर फूल पुष्पों की वर्षा इतने आप बरसा रहे खुशबूदार वो बरस रहे, तो उधर से देवताओं की तरफ जहां सब सुख है सब आनंद है किसी तरह का कलेश नहीं, कोई बीमारी कोई रोक टोक नहीं, कोई वहां कोई गरीबी नहीं, कोई वहां राजा रैयत नहीं, कोई माता नहीं कोई जेल खाना नहीं, उधर तो सुख जाते नहीं और रोज ये बताया जाता है कि भाई देखो इधर बड़े दुख के रास्ते उधर सुख का रास्ता, तो तुम 5 मिनट
10 मिनट भी तुम वजन ध्यान नहीं कर सकोगे। 24 घंटे रगड़े झगड़े में जो लगे रहोगे उसी के लिए तो रगड़ा और झगड़ा, रगड़े और झगड़े से ही काटा जाता। तुम कहोगे वैसे कट जाएगा, रगड़ा रगड़े से कटेगा, झगड़ा झगड़े से जब कट जाएगा तो एक प्राप्त हो जाएगा, एक खाली खड़ा रह जाएगा, खत्म हो गया। ये नहीं जानते हो लोहा लोहे को आपको नहीं मानता, लोहा लोहे को काटे लेकिन उसके काटने का तरीका है वो काटा लेगा, नहीं तो वैसे लोहा कैसे रहिए, कैसे लोहा काटेगा, लोहा तो लोहे लेकिन तरीके से उसको अगर बना के काट दिया जाए तो लोहे लोहे को काटता है। इसी तरह से कर्म कर्म को काटा देगा, जिसकी जिसकी सतर्क बात हो जाएगा। इस तरह से वाक और फरमान ये दोनों अगर ध्यान में रखोगे तो एक एक से कट जाएगा और नहीं तो कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता। ये बातें आपको इतनी ऊंची जो सत्संग में आपको सुनाने की चेष्टा की गई कि आप ऊंचा से ऊंचा सत्संग सुनोगे और कहां से आए हो ये सुनने को आपको मिलेगा और कैसे जाओगे, तो अभी तक निशाना नहीं बना सकते। एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि भाई हमको बात सब देख रहे हो, सब सुन रहे हो, सब बोल रहे हो, सब स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन निशाना ये वहां जाना और भाई कहा जाए कि यहां से गाड़ी में बैठो, कुछ नहीं खाना, कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं, तुम कलकत्ते पहुंच जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता। खाना भी खाना और देखना भी है और मतलब सुनना भी है और चढ़ना भी उतरना भी, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि हमको कलकत्ते जाना। इसी तरह से बाल बच्चों में रहो, काम करो, ये लेकिन लक्ष्य होना चाहिए जब वो वहां जाना। जब लक्ष्य हो जाएगा तो आप फंस रहे सब छोड़ोगे, छोड़ दोगे सब, गाड़ी छूट रही है सब छोड़ दिया और